मैं चलो झूठ बोलता हूँ, मैं तो हर्ष भैया के साथ रहता हूँ बेटा। पापा आप मुझे बोलने दो, कौन सा रूम में रहता है? अंकल बोलने दो, अंकल मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, अब तक बेटे हम लोग वहाँ थे 62 में। मेरा जानते हो क्या है, मैं तो अपने खाली लाइक करो फॉलो करो, अपना आराम से बिस्तर में सो जाता हूँ। गाइस एडिट कंटेंट, धन्यवाद आप लोगों ने, आप लोगों ने तो सारा प्यार दिया, झुग्गी से उठा के घर में रख दिया, झुग्गी से उठा के मुझे घर में रख दिया। देखो भाई देखो, ओ तेरी बहन की, पाइप चला के नीचे यार। हेलो गाइस, तो गाइस हमारे अंकल के पास। नमस्कार अंकल। नमस्कार बेटे, नमस्कार। और सुहेल कैसे हो? ठीक है अंकल, मजा आया? हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या है? अच्छा लगा गाइस, अभी हम यहाँ दिख रही है, यहाँ देखो देखो सब दिखता गाइस, यहाँ पे देखो ऑलराउंडर ऑल। तो गाइस आपको अपने ब्लॉग देख लिया होगा, ये ब्लॉग अंकल के लिए बनना, मैं अंकल से मिलने के लिए आया था। अंकल एक बात सच बताना, हाँ, ये पुष्पा भी आने वाला है। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें रहने में सुकून मिल रहा है? नहीं मिल रहा है बेटा, बहुत सुकून मिल रहा है। वहाँ से फुटपाथ से तो बहुत लाख दफिया है बेटा। बता कोई कमी है घर में? नहीं, कोई कमी नहीं बेटा। अगर कुछ चाहिए तो मैं तुम्हारा औलाद की तरह हूँ, बराबर हूँ, मुझे बता देना। कुछ कमी नहीं है बेटा, हर चीज है, सब कुछ कर दिया तुम मेरे लिए बेटा। अंकल अभी देखो, तुम मेरे पापा की जैसे नहीं हो, पापा ही हो इस तरीके से। ठीक है अंकल, कमी कुछ नहीं है। और बताओ अगर कोई कुछ चीज की जरूरत हो, छोटी मोटी बड़ी चीज कुछ ही बताओ, वो भी जो कमी होगा तो मैं बोल दूंगा। हाँ। अभी कोई कमी नहीं है बेटा। और हमारे फैनों को बताओ, उनके लिए बहुत हाथ जोड़ो, उनके लिए धन्यवाद बोलो। धन्यवाद आप लोगों ने, आप लोगों ने तो सारा प्यार दिया, झुग्गी से उठा के घर में रख दिया, झुग्गी से उठा के मुझे घर में रख दिया, इतना बहुत मेहरबानी आप लोग का है। मेरा बेटा कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया अंकल। कोई नहीं, मैं आपकी औलाद हूँ। और गाइस अभी पुष्पा भी आने वाला को पुष्पा से बुलवा देते हैं। अब भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एक देखो गाइस इसमें कलाकारी करके देखा, देखा करके देखा, कर से देखा, देखो भाई देखो, ओ तेरी बहन की, भाई पाइप चला के नीचे यार, पाइप वहाँ गिर चुका है, हो रहा तेरी भाई कलाकार है, कलाकार इतने चला गया। चल सवेरे को आता पड़ेगा, पेटवा कर दे, पेटवा पेट पेट वाला कर दिखा दे, देखो हाँ, ऊपर बंडी उठ जा, कर 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 दिखा। हाँ ओ भाई, ओ भाई भाई भाई, इसमें भी टैलेंट है अंकल। हाँ मजा आ रहा, नहीं आ रहा लाइफ में? अच्छा बता भाई, कुछ और कमी है कोई चीज की? नहीं। मैंने सुना तुम लोग टीवी देखते हो पूरा दिन। हाँ, अभी तेरे पढ़ाएंगे भी, इसे पढ़ाएंगे गाइस, सभी पढ़ना जरूर, देख रहे हैं। हाँ। चलो अभी पुष्पा को आने दे, बात करते हैं आपसे अंकल। तो आ चुका है हमारा। हाँ पुष्पा, और गाइस कैसे आप लोग? नमस्कार, आ जाओ अंकल, आ जाओ पुष्पा। हाँ भैया, एक दिल से बात आएगा। हाँ है, इधर बैठते नहीं चाहता, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बैठते नीचे, आधा अंदर से आ जाओ, फोन रहेगा ऐसे। हाँ। और हम रहेंगे, हम लोग रहेंगे ऐसे। पीछे हो जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ पापा। अब पुष्पा एक बात बता, मुझसे क्वेश्चन कर। हाँ। तू मुझे कभी धोखा तो नहीं देगा? अरे ना भैया, सच बता। अरे जिंदगी में भी नहीं भैया। अंकल तुम बताओ, इधर आ जाओ अंकल, आप भी इधर आ जाओ अंकल। अब पुष्पा कल को ज्यादा से ज्यादा वायरल होगा, धोखा तो नहीं देगा? अभी नहीं बेटा, अभी कल को बोलोगे भाई क्या तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या कोई मतलब कुछ ऐसे, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर तू पुष्पा करोड़पति हो गए, इतने बड़े बड़े घर हो गए, बड़े बड़े फोन हो गए, तो तू ये मेरे को नहीं कहेगा कि कौन है भाई, कहाँ से आए? मुझे तो उससे क्या चाहिए, क्या बस मुझे सपोर्ट कर दे। अरे यार भैया, मेरा पूरी जिंदगी, हम लोगों ने ब्लॉग बनाया था, आप लोगों ने देख लिया होगा, हमने अंकल को सच में मकान में शिफ्ट कर दिया। और आज मैं और पुष्पा शूट करने जा रहे थे सिप्रा मॉल, तो हमने सोचा अंकल से मिलते चले, क्योंकि अंकल को भी, अंकल भी थोड़ा सा जी घबरा था इनका मकान में रह के, खुले में रहते थे पहले, तो अंकल को हमने लाके शिफ्ट करा दिया। और वो हमारा सुहेल है, इसको भी हम पढ़ाएंगे बेटा, जा नहीं चला, और इसको भी पढ़ाएंगे हम लोग, तो हमने सोचा अंकल से मिलके चलते। तो गाइस हम छत पे बैठे हैं अभी, पीछे देख सकते हैं छत है, ये नहीं दिखावा कुछ नहीं गाइस, तुम्हें अपडेट डालते रहेंगे। किसी को लगता है कि खाली दिखावे के लिए वीडियो बनाई है, पुष्पा बोलेगा मैं नहीं बोलूंगा गाइस। जिस भाई को हमारे, जिस माँ को हमारे, जिस बहन को हमारे, ये लग रहा है कि पुष्पा खाली दिखावे के लिए बनाया हुआ है, तो गाइस हम तो झूठ नहीं बोलेंगे। अगर आपको हर्ष भैया कहें कि भाई की हम दिखावे के लिए बनाए, तो गाइस ये दिखावे के लिए नहीं है, हम छत के ऊपर आराम से ये सब अभी के पतंग उड़ा रहे थे गाइस। पूछ लो इनसे। अच्छा गाइस मैं चलो झूठ बोलता हूँ, मैं तो हर्ष भैया के साथ रहता हूँ बेटा। पापा आप मुझे बोलने दो, कौन सा रूम में रहते हैं? अंकल बोलने दो अंकल, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, अब तक बेटे हम लोग वहाँ थे 62 में, फुटपाथ पे थे, हाँ कितना दिन से थे, करीब 2-4-5 साल से थे बेटा। तब ये जब से मेरा बच्चा मिला, तब से बेटा जिंदगी हम लोग की बदल दिया, झूठ क्यों गाइस, मैं इन लोगों के पैसे का गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, ये मेरा बेटा ही यूज कर रहा हूँ मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ गाइस। हाँ। जो पेमेंट आती है 50% घर पे जानी ही जानी है, ये बेटा मेरा, मैं अपनी जेब से खर्च करूँ कुछ भी करूँ, सब कुछ यही खर्चा कर रहा है। आज तक हम बेटा 1 रुपया भी नहीं दिए होंगे,
और गाइस आप लोग सोचते हो पुराने कपड़े पहन रखे, गाइस हम पुराने कपड़े पुस्तक के इसलिए पहनाते हैं क्योंकि इसकी पुराने कपड़ों में वीडियो वायरल होती है। आप सब पुराने कपड़ों में मुझे प्यार देते हो और ये कहना इसका ये भी भैया मैं अपनी औकात नहीं बोलूंगा, मैं कितना बड़ा आदमी बन जाऊँ इसलिए मैं पुराने कपड़ों में पहनने दिया करता हूं, मैं इससे लड़ाई झगड़ा नहीं करता। ये कई बार हर्षभैया गाइस जब पहली दफा में हर्षभैया कह रहे पागल हो गए पुष्प तू ऐसा कपड़ा क्यों पहन रहा है, अब तू स्टार हो गया हुआ है। मैंने कहा एक बात होता हूँ भैया, आदमी जितना भी बड़ा स्टार हो जाए इतने चार मंजिला पे स्टार कहे मैं स्टार हूँ स्टार हूँ स्टार हूँ पर अपनी औकात कभी भी नहीं भूलो। चलो गाइस बस बहुत धन्यवाद आप लोगों ने बातें सुनी हमारी, बहुत थैंक यू सो मच, आपके लिए गाना सुनाएंगे अंकल हमारे। और गाइस एक बात रुक जाए पापा, और जानते हो गाइस पापा को क्या क्या दिलवाया हमने, फ्लैट में टीवी दिलवाए, फ्रिज दिलवाए, और क्या वॉशिंग मशीन और वो जो अलमारी, बेड, सोफा और फ्रिज, पंखा और क्या बोलते हैं गैस चूल्हा नहीं दिलवाया गाइस, जो सच्चे सच्चे सब कुछ बेटा वो अंकल के पास था। कम से कम बेटा हर चीज मेरा बच्चा भर दिया, सारा सामान यही लाया मेरा बेटा और पैसे का। गाइस आपको गाना सुनवाता हूँ, गदर मूवी चल रही ट्रेंडिंग में, तो पुष्पा अंकल सुनाएंगे गाना, अंकल तुम सुनाओ थोड़ा फास्ट बोलना। हाँ बीच में से गाना स्टार्ट करो। पापा थोड़ा पीछे हो जाओ आपका फेस कट रहा है। पीछे हो जाओ बस बस चलो सुना दो अंकल एक गाना। हो 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 हा 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 ला 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 एक मोड़ आया गज में दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया गज में दिल छोड़ आया। बस बस थैंक यू गाइस, आप लोगों ने हमारी आवाज सुनी और ब्लॉग देखा पूरा मजा आ गया, थैंक यू, बंद कर दे पुष्पा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सबने ये प्यार देना मेरे बच्चे को, कोई बात नहीं अंकल गाइस, चलो थैंक यू सो मच। और गाइस अभी चलते हैं, हमारा सूट है तो हम सूट करने निकलते हैं, फिर हम लेट हो रहे हैं, अंधेरा होने लगा है। ठीक है अंकल, अंकल किसी भी चीज की जरूरत पड़े मजाक सेट के देखो गाइस, मैं ऐसे बोल रहा हूँ किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो अंकल मुझे याद कर लेना, फोन कॉल जो मन करे वो कर देना। ठीक है अंकल, कर लूंगा बेटे। ठीक है सर, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो खाने पीने किसी चीज की तो खुल के बताना, डरना मत, बिल्कुल भी घबराना मत अंकल, ये मत सोचना कि ये कर दिया तो बेटा मना करेगा, मना करने का क्योंकि अंकल मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इसका हक है, मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत है गाइस। मेरा जानते हो क्या है, मैं तो अपने खाली लाइक करो फॉलो करो अपना आराम से बिस्तर में सो जाता हूँ गाइस, एडिट कंटेंट इधर जाना है उधर जाना है ऐसा कपड़ा पहनना है सब दिमाग हर्ष में लगाते, जानते हो गाइस दिमाग दर्द करने लगता है, सिर दर्द करने लगता है, ऊपर वाले ने इसको इतना दिमाग दिया है बेटा कि यही सारा संभालता है। चलो गाइस ब्लॉक के पीछे कितने लगे थे जास दुश्मन, कितने चमचे भाई अंकल, एक बात मैं तुमसे इसी बारे में पूछता हूं, लोगों की बात मत सुनना बेटा, अंकल मैं तुम्हारे पैसे खाता हूँ। नहीं बेटा तो मैं देता नहीं, देता हूँ हर महीने देता है बेटा, भाई जबरदस्ती नहीं करा रियल, जब जिसका मन करे लाइव लगा दूंगा सबको अंकल, हर महीना देता है बेटा, और 150-500 हजार ज्यादा ही देता है तू मेरे बेटा, झूठ क्यों बोलूं मैं बेटा। और गाइस जानते हैं हर्ष भैया एक किसान के बालक है, झूठ नहीं बोलेंगे आपको, बार बार कहते हैं। और गाइस मेरा नाम रियल तालीम है, ठीक है बस घंटा दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, पहले घंटा दबाओ, चलो चले नेक्स्ट ब्लॉग में, टनाना चले टनाना।